वेलकम नाज़रीन द पाकिस्तान डेली के साथ कमर ज़मन भट्टी आपकी खिदमत में हाज़र है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जैन मंदिर चौक में जो है वो एक भरपूर इत्तेजाजी मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। पीटीएम की जमातें जो इस इत्तेजाज में शरीक है और महंगाई के खिलाफ ये इत्तेजाज है। ख़वातीन भी यहाँ पर शरीक हैं जी। आपने ये बिल भी पकड़ा हुआ है और नान भी, क्या कहेंगी? नान भी नहीं खा सकते, रोटी भी नहीं खा सकते, घ्यो भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, बिल भी नहीं दे सकते, असं कुछ नहीं कर सकते। असी कहने इज्जत ना चला जाए मगरों लत दे साड़ी, बस असी और कुछ नहीं चाहते। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आप बड़ी हाय हाय कर रही हैं, थोड़ा सा बताएं क्या मसला है, क्यों इतनी हाय हाय हो रही है? मैं वैसे आपके सवाल पे हैरान हूँ कि आपको अभी भी लगता है कि हाय हाय ना हो, जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क मुझे नज़र आता है जहाँ के इंतशार, बदअमनी, महंगाई, हर चीज़ की फरावानी है, सिर्फ एक सुकून की नहीं है। और इस नाहल और नालायक हुकूमत के आने के बाद 3 सालों में आम शख्स का जीना दोबर हो गया। आपको आटा, चीनी, पेट्रोल, हर चीज़ जो है वो आम आदमी के फ़ोन से दूर चली गई है। और ये आम खवातीन है, ये घरेलू औरतें, और ये आज इस जुल्म के ख़िलाफ़ निकली हैं। और इंशाल्लाह ताला ये इमरान नियाजी का इख्तिताम जो है वो इनकी आहों के साथ ही होगा। तो आपका मुस्लिम लीग नून से कोई तलक नहीं? आम खवातीन है आप? ये सब आम खवातीन है, जो अगर फर्ज करें कोई मुस्लिम लीग नून से हो या पीपल्स पार्टी से हो, वो आम शहरी नहीं होता। वो हर शख्स परेशान है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी है। इसमें अगर मुस्लिम लीग नून की भी खवातीन है, मैं कहती हूँ जी यहाँ पीडीएम के हर जो है मेंबर बैठा हो गए, तो वो आम शहरी है। क्या वो महंगाई से तंग नहीं है? क्या उसके बच्चों को अद्वियात मिल रही है? क्या उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? जेरी बेवा औरत है, मैं बेवा औरत है, मेरे 3-4 बच्चे ने, मैं मेहनत करके बच्चे पालने भी, एक बच्चा दुकान किराए ते लिती, किराया देवे, बिल तारे, उन्हें किश्त कराई किश्त, फिर अलग अलग पैसे आ रहे, कोई तरीके है ने तो कुछ करना चाहिए ना? बेवा औरतों ने तो कुछ सोचे तो वो हसास प्रोग्राम लेकर तो चल रहे हैं खवातीन के लिए, हसास प्रोग्राम है, कुछ नहीं मिलना, ना मिले ना चाहते, हमारा नवाशरीफ आना चाहिए, हमारे साथ साथ है। ये आम खवातीन है, इनका कहना कि ये आम खवातीन है, बेशक इनका कोई ना कोई सियासी पस मंजर भी है, लेकिन ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो महंगाई है, ये जो नान रोटी का मसला है, इसके ऊपर ये भरपूर इत्तेजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, महंगाई के खिलाफ इत्तेजाज है और इत्तेजाज में जहाँ गरीब लोग जो हैं वो सब्जियों के मुख्तलिफ नमूनाजात के साथ और शर्ट और कमीज़ के बगैर, और दूसरी तरफ मेरे साथ जो है कफन पोश बुज़ुर्ग खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि बस मैं कब्रिस्तान में हूँ और यहाँ पे अभी कोई मुर्दा जो है वो खड़े हो गए हैं, जिंदा लाशें अपने आप को कह रहे हैं। ये जिंदा लाशें आप क्यों हैं? आप तो चलते फिरते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे आपके इलम में है कि मज़ाई जो है आसमानों से बातें कर रही है और गरीब आवाम जो है वो तड़प रही है महंगाई की वजह से, करोड़ों आम इस वक्त जो है ना ये एहतजाज करने के लिए तैयार है, और वो वो चाहते हैं कि अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पुकार रहे हैं कि ओ हमारी जान छोड़ो नियाजी से, नियाजी को घर भेजें और आप आके दोबारा मुल्क की बागडोर संभालें और मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर काम करें। वो तो कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि नहीं नहीं है, ये 5 साल पूरे करें। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, 5 साल आवाम तो नहीं, आवाम तो आवाम क्षति पड़ी है इस वक्त, करोड़ों आवाम, करोड़ों आवाम परेशान है, बच्चों के लिए दवाई नहीं है, बच्चे दूध से बिलक रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको पता है, आटा, चीनी की, ये सब्जी, दालें, जितनी भी चीज़ें हैं सब महंगी। अच्छा, ये महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आवाम चाहते हैं कि ये अभी जाएं, लेकिन जो क्यादतें हैं, क्यादतें हैं जो मुस्लिम लीग नून की क्यादत है, वो तो कहती है कि हम 5 साल इनको पूरे करवाएंगे ताकि आवाम की चीखें निकले, फिर वो मिला। वो जरा ना, वो अमीर लोग हैं, उनका पूरा हजत है, लेकिन उनको अभी समझ नहीं है, आवाम में आए, गरीबों में, फिर उनको समझ आए कि किसी के बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, किसी के पास बिल देने के पैसे नहीं है, किराएदार जो गरीब तबका वो तो बिल्कुल ही पिस गया ना, ये जब उनको पता चले आवाम में आए फिर पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, आपको ये कफन पोश पहने हुए कैसा लग रहा है? वाकई पहुंच गए हैं जी?
देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो बहुत खुशहाली थी। अब इसकी हुकूमत आई है नियाज़ी घोष कि आप इस वक्त एक रोटी से भी मुताज हो गए। आप एक आदमी दिहाड़ी लगाने वाला है वो क्या बिल देगा, बच्ची के कैसे देगा, वो पाँच छः बच्चे हैं वो कैसे कैसे पालेगा। महंगाई का रोना तो हम खैर पहले भी रोते थे, महंगाई तो हम पहले भी बात करते थे, किसी हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल नहीं की, ये है ना, ये फैक्ट है। तो नवाशियत और महंगाई कंट्रोल की थी, गरीब आदमी 300 रुपये घर पाल रहे, 5 जी पाल रही, आज 20,000 रुपया नहीं घर पाल रहा, 2,000 दिहाड़ी भी लगे ना तो घर नहीं पाल रहा, लोग रोते थे जानू। नहीं उस वक्त तुम 300 कमाते थे, उस वक्त भी तो कमाई तुम्हारी उतनी नहीं थी, वो 300 जी 10 जी पाल रही, 2,000 रुपये कर लो 5 जी नहीं पाल रहा। बात यह है कि 150 रुपया घी हुआ 70 साल में और बाकी 3 साल में 350 रुपया हो गया, लानत है इसके ऊपर। एक आंदा सी पेट्रोल जो होगा ना महंगा तो मैं वो चोर होता है, ये सबसे बड़ा चोर है जो है ना पीछे। अच्छा आप नवाशी साहब कहते हैं कि हमने 5 साल पूरे करवाने हैं उसके बाद फिर वोटों के जरिए आए, मैं नवाशी नहीं कहता 5 साल पूरे करने। आप क्या कहते हैं? ये तो उनके जो दुल्हाने वाले ना वो कहते हैं, जो नहीं वो नहीं कहता, जो पीछे ना जिसका बाप जनरल बाजवा वो कहता है। नाजिन महंगाई के खिलाफ PDM के लाहौर के एहतजाज में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद हैं, आप मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा MP हैं राबिया फारूकी, वो भी अपने ग्रुप के साथ यहाँ मौजूद हैं, आपने खासे ये माथे सजा रखे हैं कुछ नीले पीले, महंगाई पेट्रोल क्या कहना चाह रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और अब अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा लिए, लेकिन हम ये पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को कि हम कहते थे ना कि वो दिन दूर नहीं होगा जब आवाम का हाथ होगा और हुकूमत का जो इमरान नियाजी का गिरेबान होगा, और अब वो दिन आ गया है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, वालदैन जो है वो अपने मासूम बच्चों की जानें ले रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते लोगों को खिलाना, अपने बच्चों को खिलाना, एक इतना सख्त जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। और एक महीने में रिकॉर्ड है कि दो से तीन दफ़ा आपका पेट्रोल बढ़ रहा है। मैं कहती हूँ आप ये कहते हैं कि आप आटा भी ना, रोटी भी ना खाओ, बेसिक नेसेसिटीज़ बढ़ा दी हैं और बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ाई हैं ताकि आवाम जो है ना जो रह गई है ना वो भी बेचारी मर जाए और डूब के पता नहीं नहर में गिर जाए। अच्छा आप आज महंगाई के खिलाफ एहतजाज में बहुत सारे लोगों ने गो नियाजी गो के नारे भी लगाए और उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी चले जाना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब हमजा साहब बाकी कहते हैं कि हम 5 साल पूरे करवाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, बात ये कि आवाम जो है ना वो अब होगी है तंग। मियां नवाज शरीफ आपको याद होगा कि सब कहते थे कि जी हुकूमत करें ख़त्म करें मिल के ख़त्म करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब का विजन था ये, वो कहते थे कि इनको मौका दो, ये जो दावे करता था ना कंटेनरों पर खड़े होके कि मैं मुल्क की तकदीर बदल दूँगा, मैं नया पाकिस्तान ले आऊँगा, और अब 3 सालों में देखें अब लोग हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गए, खुदा रहा हमें पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वो पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें ना तालीम है ना हेल्थ डबल, आप देख रहे हैं आप मेडिसिन जो है, ये गरीब बंदा कहाँ जाए, ना वो खा सकता है ना खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, बीमार हो जाए अद्वियात मैं कहती 100 गुना बढ़ गई हैं, वो किधर जाए। मैं समझती हूँ इमरान नियाजी अब अपने दिन गिन लो तुम, और अब आवाम जो है ना तुम्हें घर से निकालेगी और धक्के दे के इस मुल्क से बदर कर देगी, तो मैं दुनिया का कोई बंदा अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा जिसना तुमने पाकिस्तान का बेड़ा कर। आवाम बहुत ज़्यादा तंग है और मियां नवाज शरीफ अगर जो चाहते थे कि ये 5 साल पूरे करें ताकि ये एक्सपोज हों, लेकिन अब आवाम तंग आ चुके हैं और आवाम सड़कों पर हैं, सो इसलिए मुस्लिम लीग नून के लोग भी यहाँ पर एहतजाज के लिए आएँ और इस वक्त आवाम के मुतालबे के साथ खड़े हैं कि हुकूमत घर जाए। इन महंगाई के खिलाफ जो इस वक्त एहतजाज चल रहा है लाहौर में PDM का एहतजाज, सादिया तैमूर मुस्लिम लीग नून की MP हमारे साथ मौजूद है, सादिया ये एहतजाज आप कर रहे हैं क्यों, लोग आप उतने इकट्ठे कर सके जितने आपको तवक्को थी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप गैर जानबदारी से देखें तो लोग ही लोग हैं और इस महंगाई के दौर में अपने घरों से निकलना भी बहुत बड़ा जहाद है, क्योंकि जिस नहज पे इस गवर्नमेंट ने लोगों को पहुंचा दिया है तो लोगों के लिए तो किराया खर्च करके यहाँ तक आना भी एक बहुत बड़ा जहाद है। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं कि 1,000 बंदा है या 2,000 बंदा है, तो ये तो वो बंदा था जो कहता था कि अगर 10 लोग भी मेरे खिलाफ बाहर आ जाएंगे तो मैं तो हुकूमत ही छोड़ दूँ। तो ये महंगाई का पहला आज हमारा एक इत्तेजाज
एहतजाज है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हर घर से एक एहतजाज होगा। जो इनकी हुकूमत है ये तो खुद बजाते खुद एक बहुत बड़ा एहतजाज है। जो इन्होंने बात कही थी वो उनमें से एक चीज़ भी इन्होंने पूरी नहीं की। तो अब मेरा ख्याल है कि ढीट होकर बैठे हुए हैं ये, इनकी हमें तो समझ नहीं आती कि गैरत अगर हो तो इनको चले जाना चाहिए। जी थोड़ा बताएंगे आप क्या करने यहाँ पे आई हैं? जाहिर है आपको पता ही है महंगाई का इतना ज़ोर चल रहा है, तो उसका एहतजाज करने आए हैं कि बस कर दे न्याजी, बहुत हो गया, हद होती है हर चीज़ की। अब तो मरने का टाइम है, क्या मौत के फरिश्ते बन के हमारे लिए आए हो? पहले तुम मरो फिर हम भी मर जाएंगे, पहले तुम खाओ फिर हम भी खाएंगे। इतना ज़्यादा महंगाई करने का मकसद क्या है? ये वजह यह है कि तुम लोग बदला ले रहे हो कि इस आवाम से, पाकिस्तान से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी अवाम है। अगर ये दूसरी मुल्कों की अगर बात करता है तो वहाँ पे अवाम को कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है सवाए महंगाई के। अगर कोई गरीब खा रहा है तो क्यों खा रहा है, इसका क्या वजह है? बतौर खतून खाना क्या कहेंगी इस महंगाई में? इमरान खान हाजिर के माफ़ करते हैं, हमें माफ़ कर दें और हमें जो हमारा वो है वो लुटा दें। मेहरबानी है आपकी, तारी मेहरबानी है, बहुत महंगाई है इसलिए आए हैं। महंगाई के खिलाफ यहाँ पे इत्तेजाज चल रहा है और ख्वातीन जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं ये कहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सारी ख्वातीन कोई प्रोफेशनल नहीं है, सब खानादार खातून हैं, घरों में से निकल कर आई हैं और इनका निकलना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। पहले तो उनको अपने घरों से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन वो जितनी तंग आ गई कि अब उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं और वो बाहर निकली हैं कि ये किसी तरीके से जाए, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं लेता है। क्या चाहता है ये पाकिस्तान को? क्या वापस उसी जगह अंधेरा, इधर बिजली इधर ख़त्म हो गई, आटा इधर? में कहते हैं कि 5 साल पूरे करने देंगे, नवाज शरीफ खुद भी कहते हैं पूरे करने देंगे। नहीं, वो तो कहते थे और करवा रहे हैं ऐसे, लेकिन आवाम का क्या हाल है? कभी आवाम का सोचा किसी ने? ये आया जिस दिन से, इसने एक दिन भी आवाम के बारे में कुछ अच्छा सोचा? अच्छा, गैस आमतौर पर सर्दियों में कम हो जाती है, इस मरतबा गैस कम होती नजर आ रही? मुझे तो लगता है कि तो गैस होएगी नहीं, गैस होनी नहीं है, बिजली गैब हो रही है, गैस भी गैब है, आटा गैब है, चीनी गैब है, आखिर क्या हो रहा है ये मुल्क में? इस मुल्क में तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं थी, लेकिन इसके आते ही मनहूस की कमी आ गई है। कहते हैं कि ऐसा कोई मनहूस आता है जिसके आते ही कहत पड़ जाता है, इसके आते ही हमारे पे कहत पड़ गया, गुनाह हमने किए हैं जो ये हमारे पे मुसलत हुआ है। जी बस नवाज शरीफ बेशक 5 साल पूरे करवा रहे हैं, लेकिन महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए हम निकले हैं और खासा मुश्किल दौर गुजर रहा है।